हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 31 मई, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली ऑनलाइन क्यूज कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम आपसे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर का डेली टेस्ट ले रहे हैं। सो अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियोस, रिसेंटली द फर्स्ट लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल वाज इनॉग्रेटेड। तो इसे इनॉग्रेट किया गया, लाइक कारगिल हमारा यूटी लद्दाख में आता है। यू हैव टू आंसर हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर इज राधाकृष्ण माथुर। एंड दिस फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन प्लांट हैज़ बीन इनाग्रेटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ एनिमल शीप एंड हस्बेंड्री एंड फिशरीज मोहम्मद राजा। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कारगिल में। ये आपको याद रखना है, लद्दाख ले कारगिल द पार्ट्स ऑफ लद्दाख, ये आपको याद रखना है। यूनियन टेरेटरी लद्दाख एंड यूनियन टेरेटरी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर। ओके, एंड जम्मू एंड कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू एंड ऑप्शन नंबर सी अनिल बैजवाल, ये हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वीपी सिंह बडनोर ये हमारे हैं चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, चंडीगढ़ एंड लद्दाख हमारा डायरेक्टली लाइक कंट्रोल करता है हमारा सेंटर। एंड जम्मू एंड कश्मीर में वेल इलेक्शंस होंगे, ओके, लाइक विद लेजिस्लेचर हमारा यूटी, लाइक जो हमारा जम्मू है लाइक न्यू दिल्ली। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, राधाकृष्ण माथुर, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। सेकेंड इज द फर्स्ट सी एम, इनका नाम क्या है, लाइक आपको बताने की कौन सी स्टेट के सी एम थे अजीत जोगी, जिनका निधन हो गया अभी, एंड फर्स्ट सी एम थे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सी एम, छत्तीसगढ़ के सी एम, फर्स्ट सी एम इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम 2002 से लेकर 2003 तक, लगभग 3 साल इन्होंने सर्व किया था छत्तीसगढ़ को एज ए सी एम। एंड जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुई थी इन द ईयर 2000, तो ये फर्स्ट सी एम बने थे। इनका नाम था अजीत जोगी, इनका निधन हो गया, ये आपको याद रखना। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ द स्टेट आपको इस यहाँ स्लाइड में मिल जाएगी। वेल अगेन, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक हमने आपके लिए कल जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे का मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाया था, देन उसके बाद अप्रैल मार्च सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, टॉप 20 विनर्स भी अनाउंस किए जाते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है एंड आपकी स्टडी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू सर्च करना है, सिंपली नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू। काफ़ी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम ज्वाइन कर बैठे हैं और बोलते हैं सर आपने हिंदी में पीडीएफ क्यों दिया। अवर टेलीग्राम चैनल नेम इज नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज रिसेंटली वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी सस्पेंडेड किरणजीत कौर फॉर 4 ईयर्स बाय डोपिंग वायोलेशन। डोपिंग वायोलेशन के लिए इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया वाडा द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में। सो आपको ये बताना कि ये हमारी जो किरणजीत कौर हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, एथलीट हैं, एंड किस चीज़ से रिलेट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा वाडा की डिटेल्स हेडक्वार्टर्स यहाँ ऊपर टॉप ऑफ द स्लाइड आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चन से विश्वास मेहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ केरला, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, विश्वास मेहता। एंड आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू रेज 80,000 करोड़ थ्रू कैश मैनेजमेंट बिल। ओके, नाउ व्हाट इज़ कैश मैनेजमेंट बिल, यहाँ डिटेल पूरी दी गई है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कैश की कमी पड़ जाती है तो कैश मैनेजमेंट बिल्स आर द शॉर्ट टर्म बिल्स, दीज आर द शॉर्ट टर्म बिल्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द इमीडिएट कैश नीड। यू नो राइट नाउ हमारी कंट्री में कैश की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है एंड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। सो इसे लाइक आरबीआई से रेज करेगा एंड यू नो द लाइक मैच्योरिटी ऑफ दिस कैश मैनेजमेंट बिल्स हैव द मैच्योरिटी ऑफ लाइक लेस देन 90 डेज एंड दीज बिल्स आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, हैंस द लाइक कैश मैनेजमेंट बिल्स आर द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू मेट इट्स टेम्प्ररी कैश फ्लो मिसमैच। यू नो राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मंदी भी चल रही है तो कैश की काफ़ी ज़्यादा कमी है, सो इस वजह से ये आरबीआई से रेज कर रहा है एंड 80,000 करोड़ आपको ये याद रखना है। ओके, वेल इसके रिलेटेड तो एक पूरा सेपरेट टॉपिक बनेगा, तो फिलहाल तो आप इतना याद रखो। एंड नेक्स्ट है हमारा द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी चौहान, लाइक शिवराज सिंह चौहान लॉन्च रोजगार सेतु योजना टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स हु रिटर्न टू द स्टेट इन द कोविड-19 सिचुएशन एंड टू मीट द वर्कर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो रोजगार सेतु योजना ये आपको याद रखना है। वेल अगेन देखो, अब कितनी योजनाएं आ रही हैं रिसेंटली, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट एंड इसी तरीके की काफ़ी योजनाएं थी जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी मुझे कमेंट कर रहे हैं। सो अगेन
द ओनली वे टू रिवाइज दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ. ओके नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड ने भी एक योजना स्टार्ट की जी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री, दिस वॉज स्टार्टेड बाय, दिस इज स्टार्टेड फॉर द रिटर्निंग माइग्रेंट्स, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए. सो दिस वॉज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, CM इज त्रिवेंद्र सिंह रावत. नेक्स्ट इज, ये कुछ यहाँ स्लाइड में मिले हैं डिटेल्स. ओके, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे, तो क्या थीम क्या रखा गया था ये आपको बताना है. ओके, करेक्ट आंसर इज वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस. सुमन गवानी नाम तो आपको याद ही होगा जिन्हें सम्मानित किया गया. ओके, याद रखिएगा. नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है. ऑन दिस डे, लाइक दिस डे वॉज मार्क द सक्सेसफुल स्केल ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय शेरपा टेंजिंग नॉर्वे एंड एडमुंड हिलेरी. 29 मई 1953 इन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था. एंड इसी चीज़ को ये डिसाइड करने के लिए 2008 में नेपाल ने डिसाइड किया था कि हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाएगा. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, 29 मई, याद रखिएगा. एंड हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, कमेंट डाउन. नेक्स्ट इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट हर्बल रोल प्रोजेक्ट्स इन द स्ट्रेच ऑफ 800 किलोमीटर इन द स्टेट. लाइक अंडर दिस प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज टू हैज टू प्लांट ट्रीज विच हैव मेडिसिनल वैल्यूज, ओके, ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड्स. सो दीज आर द हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स एंड दीज हर्बल ट्रीज हैज टू बी प्लांटेड, लाइक नीम, पीपल, इस तरह के जो ट्रीज हैं जिनकी मेडिसिनल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है. सो इस प्रोजेक्ट का नाम है जी हर्बल रोल प्रोजेक्ट्स. 800 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो मेडिसिनली काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे. ओके, दिस इज द प्रोजेक्ट बाय UP गवर्नमेंट, याद रखेगा, हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन, तो किसे मेंबर बनाया गया ये आपको बताना है. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हमारे नरेंद्र बत्रा जी को. ओके, रिसेंटली नरेंद्र बत्रा का एक साल का एक्सटेंशन भी बढ़ा दिया गया था एज ए प्रेसिडेंट, ये आप याद रख लीजिएगा. एंड यू नो इनके फादर को COVID-19 से ये पॉजिटिव आए गए एंड नरेंद्र बत्रा भी लाइक होम क्वारंटीन किए गए, लाइक मे बी ताकि कोई वायरस को स्प्रेड होने का कोई खतरा ना हो इन पे, तो ये इस टाइम क्वारंटीन भी किए गए. ओके, नरेंद्र बत्रा हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के. बाकी अगर ऑप्शंस की बात की जाए, आश्रय रेखा रिसेंटली DJP बनी है केरल की, ठीक है, ये आप याद रखिएगा. सुमन गवानी रिसेंटली ने सम्मानित किया गया UN पीसकीपर अवार्ड से. मधवी पुरी बच नॉट रिसेंटली ये फुल टाइम मेंबर हैं SABI की एंड जिनको 6 मंथ का एक्सटेंशन भी दे दिया गया था कुछ टाइम पहले तक, अक्टूबर तक ये सर्व करेंगी. ओके, वेल ये सारी चीज़ें रिवाइज आपकी डेली हो रही हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे. हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो डायरेक्टर जनरल कौन है ये आपको बताना है. सो डायरेक्टर जनरल है हमारे संदीप मुकुंद. अब ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इनको 2 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया टू सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, ये आपको याद रखना है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड बाकी अगर ऑप्शन की बात की जाए, मार्कस रोजो रिसेंटली ये प्रेजिडेंट बने न्यू डेवलपमेंट बैंक के, 7 जुलाई से ये सर्व भी करना स्टार्ट करेंगे, KV कमत को रिप्लेस करेंगे. एंड कुरेशा अब्दुल करीम, इनको लाइक क्रिस्टोफे मैरियक्स प्राइस से सम्मानित किया गया था फॉर डेवलपिंग ए ट्रॉपिकल जेल, लाइक जो हेल्प स्टॉप करेगी, विच वुड हेल्प टू स्टॉप लाइक HIV से बचाने में हेल्प करेगी वुमेंस को, वो आपको याद रखना है, ठीक है. थैरी डेलापोर्टे रिसेंटली ने CEO बनाया गया विप्रो का, तो वो आपको याद रखना है. ओके, सारी चीज़ें याद रखो एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, देखो अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके लिए. हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ केरला, तो ये किसे बनाया गया ये बताओ. ओके, देन इसके बाद आपके लिए ये 5 क्वेश्चंस है. ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ सेंट्रल बैंकर इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय द फाइनेंस इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर, तो किसे चुना गया था ये बताना है आपके लिए, आपने बताना है. देन नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट विन्स अवार्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री MVY. अब इसकी फुल फॉर्म भी आपने मुझे बतानी है, ठीक है, चलो मैं ये बता देता हूँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. ओके, तो ये आपने मुझे बताना है. अब स्टेट बता दो, अब इतना तो बताओ, कोशिश करो. वेल स्टूडेंट देखता हूँ मैं, आंसर्स करने के लिए ज़्यादा वो बेटर समझते हैं कि क्रॉस चेक करना आंसर, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, यू हैव टू आंसर. एंड ऑप्शंस, अब स्टूडेंट बोले सर ऑप्शन दो, देखो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ आपको सिर्फ ऑप्शंस ही मिलते हैं, आप तुक्के भी मारते हैं स्टूडेंट वहाँ पे, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, रिवाइज भी होगा आपका. एंड ये तो बिल्कुल आपको खुद से बताना है. विच ग्लोबल टेक फर्म हैज़ लॉन्च्ड ए शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन कॉल्ड तंगी विच फोकस ऑन क्रिएटिविटी.
नेक्स्ट इज सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, साथ ही इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ विच मिनिस्ट्री? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड 2018-19 के लिए फॉर लोवेस्ट रोड एक्सीडेंट? तो बताना है कौन सी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दिया गया था ये? ओके, तो ये पांच क्वेश्चंस एंड नाउ द आंसर्स. तो ये पांच आंसर्स आपके लिए आ गए. ओके, शक्तिकांत दास मध्य प्रदेश, गूगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. सबसे ज़्यादा कम एक्सीडेंट हुए थे इन द ईयर 2018-19 एज पर द रिपोर्ट. ओके, सो ये आगे जी. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड वीडियो आपको पसंद आए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा. एंड यू नो मैं अगेन देखो मैं चार बार ही बता चुका हूँ इस सेम वीडियो में कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. एंड चार बार ही बताने का एक जेन्युइन आपको मैं लाइक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ. एंड चाहे वो फोर्सफुली जाओ या फिर आप बार बार सुन के जाओ, बट जाओ ज़रूर. एंड सीरियसली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ए यूनिक वे ऑफ स्टडिंग एंड काफ़ी हद तक आपको लाइक सारी करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके पे लाइक निश्चिंत हो जाओगे आप लोग एंड काफ़ी इन्जॉय करोगे. एंड जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको पता है कि कितना मज़ा आ रहा है उनको. डेली अराउंड 50-60 क्वेश्चंस आपको नए सीखने को मिलते हैं, खुद को टेस्ट करने का मौका मिलता है. सो अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड सपोर्ट करते रहिए एंड अपना प्यार बनाए रखें. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.